अब मैं अपना प्रवचन कुल कुंडलिनी के ध्यान के साथ प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि कुंडलिनी अपने आप में एक महाशक्ति है, एक चेतना है। शरीर के समस्त अणुओं को जागृत करने का एक प्रयत्न है। रोम रोम में एक विद्युत स्फुलिंग भर देने की शक्ति है। इसलिए मैं सबसे पहले उन श्लोकों के साथ अपने प्रवचन को प्रारंभ कर रहा हूं जिसको कुल कुंडलिनी ध्यान कहा गया है। पूर्वे सतांबई परिपूर्ण सिंधुं ज्ञानेव रूपं मतरं मतैव दीर्घोवतां पूर्वमदैव रूपं कुंडलिनी सहितं प्रणम्यम्। मेरा जीवन जड़ है, मेरा जीवन चेतनाहीन है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की स्फुलिंग नहीं है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की चेतना नहीं है। एक प्रकार से पत्थर के ढोंके की तरह है और मैं हे कुंडलिनी तुम्हें अपने शरीर में समाहित करना चाहता हूँ, अपने शरीर में प्रवेश देना चाहता हूँ, अपने सारे अणुओं में तुम्हें आत्मसात करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं जीवंत हो सकूं, जिससे कि मैं प्रतिष्ठित हो सकूं, जिससे कि मेरा रोम रोम जागृत हो सके, जिससे कि मैं आगे की ओर अग्रसर हो सकूं। इस ध्यान में कई बातें स्पष्ट हो सकी। पहली बात तो यह कि कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो कि मनुष्य जीवन के अनंत पथ की एक सहगामिनी यात्री है। इसमें कोई दो राय नहीं, मनुष्य जन्म लेता है और निरंतर गतिशील होता हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, मगर मृत्यु की ओर अग्रसर होना उसका अधःपतन है, गिरना है, समाप्त होना है, और जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होना जीवन की श्रेष्ठता है, पवित्रता है, दिव्यता है। मगर ये किस प्रकार से संभव हो, यह कैसे संभव हो सकता है, उसके लिए इस ध्यान में जहां कुंडलिनी शक्ति को अपने शरीर में समाहित होने के लिए प्रार्थना की गई है, वहां पर वह साधक यह भी स्पष्ट करता है कि आपकी शक्ति, इस कुंडलिनी शक्ति केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु ही शक्ति है, गुरु ही कुंडलिनी है, गुरु का ध्यान ही कुंडलिनी का ध्यान है, गुरु की धारणा ही कुंडलिनी का ध्यान धारणा है, गुरु को स्थापित करना ही कुंडलिनी को स्थापित करना है।